और मेरी जबान की विवेचना में पढ़ चुकी थी, मेरी जबान की विवेचना में पढ़ चुकी थी। और मेरे घटना स्थल जाने के बाद इनको कहने के बाद आप लोग कोई दूसरा जुगाड़ करके दूसरा चाहे दूसरे जुगाड़ गिर गया गिर गया गिर गया जिस तरीके से हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपके द्वारा रामनगर थाने के जो ASI हैं मणिराज सिंह उनको आपके द्वारा कुछ पैसे दिए जा रहे हैं जैसे कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो आखिर इसका माजरा क्या है? सर ये 13 तारीख को मानी, ये 12 तारीख को शाम को जी मेरे मैसेज मानी घर के सामने झाड़ू लगा रहा है। तो कहाँ पास कहाँ निवास है अपने घर के? नहीं, निवास कहाँ है, कौन सी जगह पर? इंदिरा नगर कॉलोनी में। अच्छा, मेरे घर है, घर के सामने झाड़ू लगा रहा है। तो एक नीतीश करके है तो शराब पी के गाली गलौज सामने में कर रहा था। अच्छा, तो मेरे मैसेज मना किया तो बात नहीं माना और गाली गलौज करने लगा। इतने में मेरे लड़के लोग भी मना किए, तो दो लड़के रहे मेरे, तो वो मना किए तो बातें नहीं माना, गाली गलौज कर रहा, उसी में झड़प हो रहा था। और इतने में फिर मेरी बीवी और समझ लो मेरे भाभी ये खुद बीच बचाव किए और छुड़ाए। अच्छा, छुड़ाने के बाद फिर समझो हम लोग थाना में गए हैं। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है आपका? रामनगर थाना। अच्छा, रामनगर थाना में गए हैं 13 तारीख को शाम को गए। अच्छा, 13 फरवरी। हाँ जी, मैं उस दिन नहीं रहा, 12 तारीख को नहीं रहा, फिर 13 तारीख को आया। तो मेरे मैसेज पूरी जानकारी दी है, तो मैं 13 तारीख को फिर रामनगर थाना गया हूँ। अच्छा, रिपोर्ट मेरे मैसेज माने मैसेज के नाम से किए। अच्छा, आप लोग FIR दर्ज कराए थे? जी, उस लड़के के खिलाफ में जो लड़के जो गाली गलौज कर रहा था, जो आप लोगों के घर के पास जो कर रहे थे गाली गलौज। तो अभी तक माने उसमें ये आश्वासन देते रह गए कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अच्छा, इस तरीके से अभी इंक्वायरी चलेगा, अभी चुनाव में है, ये दुनियादारी करते रह गए। अच्छा, अब कोई माने आश्वासन नहीं मिला ना कोई कार्रवाई हुआ। उसके अलावा अगला पक्ष के तरफ से मनीष के साइड से, हाँ नीतीश तरफ से माने रिपोर्ट रामनगर थाने में किया गया। अच्छा, तो उसके तरफ से माने सोच पानी वाले हैं तो लगाए दिए। तो मणिराज सिंह हम लोग को तीनों लोग को, अच्छा मेरे नाम से, अच्छा और उदय कांत दीपक कुमार इनके नाम से समझ लो कि FIR दर्ज। दीपक उदय जो आप नाम बता रहे हैं ये कौन है? मेरे लड़के। अच्छा, इन्हीं के साथ झड़प हुआ रहा। अच्छा, फिर उसके बाद समझ लो कि हम लोग को थाना बुलवा लिए। थाना गए तो ऊपर से बोले कि तुम्हारा हमेशा झगड़ा रहता है, इस तरीके से है, तुम्हारे ऊपर और लंबा मुकदमा कायम कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ केस किया है। तो मैं बोला सर ऐसी बात नहीं है, मैं रहमी नहीं किया रहा है। तो बोले हम कुछ नहीं जानते। मैं बोला सर लड़के लोग भी बिलासपुर जा रहे थे इलाज करवाने के लिए, तो बलौर में एक्सीडेंट हो गया, तो मरवाही हॉस्पिटल में 10:30-11 बजे तक रही। ये उसी दिन की घटना? हाँ, 13 तारीख की, जिस दिन नीतीश रिपोर्ट किया है। अच्छा, तो उस दिन वो आपने लड़के लोगों के ऊपर भी रिपोर्ट किया था? जी, जबकि उस दिन आपके लड़के लोग कहाँ थे? मरवाही में हॉस्पिटल में रहे। अच्छा, तो हॉस्पिटल का तो मेडिकल कार्ड बना होगा? मेडिकल दिया है सर, सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद समझ लो वहाँ FIR करवाए, वहाँ से जमानत करवाए। जमानत करवाने के बाद पैसा मांगने लगे, बोले कि हमको इतना पैसा दो, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई है। अच्छा, मणिराज से जो SI है रामनगर थाना वाला, वो सीधा बोला 6,000 रूपए चाहिए। अच्छा, ऐसे में हम तुम्हारे ऊपर और लंबा मुकदमा कायम कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ जेल में बंद कर देंगे, यहाँ कड़ी लगा के हम तुम्हारे घर ले जाएंगे। वो लड़का दिखाया है तला है कि हाथी डंडा है, ये सब जब्ती करने के लिए हम कड़ी लगा के ले जाएंगे। अच्छा, फिर जबरदस्ती प्रेरणा करने के बाद 2,000 रूपए में फिर समझौता किया कि 2,000 रूपए दो मेरे ऊपर। तो मैं बोला सर अभी मेरे पास पैसा नहीं,
इतने में फिर जमानतदार के लिए मैं अपने भाई को बुलवाया और एक मिथुन कर दिया, तो फिर थाना जमानत फिर हुआ। अच्छा, फिर दो दिन बाद सर मेरे मतलब कि आप लोग जब किए FIR तो आपके साइड से कोई भी कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस बल्कि जो विपक्ष की जो पार्टी है जो गाली गलौज किए थे उन लोगों के द्वारा जब FIR हुआ तो पूरा आपकी तरफ मामला बना दिया गया। और मैं बोला कि सर दफाई में जाके इंक्वायरी कर लीजिए, तो बोलता है कि हमको जो करना रहा हम कर दीजिए, ज्यादा करोगे तो लंबा मुकदमा कायम करके तुमको अंदर कर देंगे जमानत। ये जो आप पैसे देते हुए दिखाई दे रहे हैं जी, तो ये किस लिए? मामला को दबाने के लिए। अब बोले कि यदि पैसे नहीं देते हो तो ऊपर से मुकदमा कायम कर देंगे और ऐसा केस बना देंगे कि आप जमानत। पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे आप दे रहे हैं उनको? मेरे से 2000 रुपया की डिमांड किए रहे, फिर 2000 नहीं रहा मेरे पास तो 1500 रुपया रहा, तो 1500 रुपए दिया, फिर 500 रुपए दूसरे दिन आके फिर जो दे रहे हैं पैसे 1500 रुपए दे रहे हैं जी। तो वो कहना चाहिए कुल मिला के तो मामला को दबाने कर को लेके जो रामनगर के ASI मणिराज सिंह वो आपसे 1500 रुपया लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। कैमरामैन पवन के साथ तीरथ पनिका, राजनगर।